पाकिस्तान के इंडिया के खिलाफ जीत के बाद अब बारी है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला होने का। जी हाँ, और यह मैच अगर नॉर्मल डे में होता तो काफी एक नॉर्मल आप कह सकते थे कि चलिए एक टीम है जिन्हें हराना है और मैच जीतना है, लेकिन जो भी हाल फिलहाल में हुआ है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड जी बोर्ड के हाँ बीच में वो कहीं छुपा नहीं, तो उसी लिहाज से ये मैच काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इस मैच से रिलेटेड काफी अपडेट्स है। सबसे पहले यहाँ पर ये जान लेंगे कि दोनों टीमों की जो प्लेइंग इलेवन है वो क्या रहने वाली है, क्योंकि बैटिंग डिपार्टमेंट में अगर पाकिस्तान की बात करें तो सिर्फ दो ही प्लेयर्स ने पूरी की पूरी जी हाँ इंडियन टीम पे बिल्कुल भारी पड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार से दो ही प्लेयर चलेंगे, आपको बाकी 9 प्लेयर्स भी टीम में लेने हैं। तो दोनों टीमों की प्रोबेबल इलेवन न्यूजीलैंड की और पाकिस्तान की क्या क्या होने वाली है, न्यूजीलैंड ने किस तरह से तैयारियां करी है इस मैच से रिलेटेड, वार्म अप मैचेस में क्या कुछ हाल जी था, हाँ ये सारी बिल्कुल अपडेट्स आपको देते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की प्लेइंग इलेवन, उसके बाद न्यूजीलैंड की। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं जो पाक की जो प्लेइंग इलेवन है वो कहीं ना कहीं सेम रहने वाली है, ज्यादा चेंज होगी नहीं जो कि उम्मीद है, क्योंकि जीते हैं और इतना बड़ा मैच जीते थे, और कोई तो इंजरी भी नहीं है। इंजरी कंसर्न भी नहीं है वहां पे, तो सेम प्लेइंग इलेवन रहेगी। और जहां तक बात है न्यूजीलैंड की, दूसरी तरफ अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने कुछ टाइम से अभी क्रिकेट नहीं खेला है, खेलना था उन्हें लेकिन क्या हुआ है कि सब खैर मैटर अलग है, लेकिन बहुत टाइम से आईपीएल में वो थे, बिजी थे, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट किसी ना किसी प्लेयर्स ने हाँ जरूर खेला है, ऐसे नहीं कि खाली बैठे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे, इसमें कोई दोराय नहीं है। तो जहां तक प्लेइंग इलेवन की बात है, जैसे कि आपके मार्टिन गुप्टिल, टिम सैफर्ड, केन विलियमसन, डिवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैटनर, डेरिल मिचेल, और इसके साथ साथ ई सोडी और ट्रेंट बोल्ट। लेकिन यहाँ एक प्लेयर को यहाँ देखना होगा कि लॉकी फर्ग्यूसन या टिम साउथी में से कोई एक जना यहाँ हो सकता है। आप सोच रहे होंगे टिम साउथी तो इतने एक्सपीरियंस है लेकिन उन्हें थोड़ा सा निगल प्रॉब्लम है, तो शायद शायद कोई पूरी उम्मीद है कि साउथी ही खेलेंगे, लेकिन एट द मोमेंट, एट द लास्ट मोमेंट देखिए कहीं फर्ग्यूसन को ना प्लेइंग में जी लेके। हाँ, न्यूजीलैंड का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई काफी स्ट्रांग टीम है, और जो इनकी प्लेइंग इलेवन दिख रही है वो काफी शानदार लग रही है, बिल्कुल इसलिए इस वाकई बार लिखी थी वाकई कि काफी स्ट्रांग न्यूजीलैंड की टीम भी लग रही है। और देखना होगा ग्राउंड पे किस तरह का बैटर देखने को मिलता है। पाकिस्तान ने भी जिस तरह से इंडिया को पहली बार हराया उसके बाद उनके भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई होने हाई वाला है। तो होगा। दोनों टीमों का प्लेइंग इलेवन ये है। वार्म अप मैच से क्या कुछ अपडेट है, न्यूजीलैंड जब ने वार्म अप मैच खेला था वहां पर क्या लगा आपको देख के कि क्या कितनी न्यूजीलैंड टीम तैयार है इन मैचेस के लिए? नहीं यार हालांकि वार्म अप मैच में तो दोनों इंडिया ने भी जीते थे लेकिन उसका रिजल्ट अलग निकला, फिर नहीं भी पूछना वाकई चाहूंगा। बिल्कुल। देखिए वार्म अप में तो हर टीम थोड़ी अपने आप को लाइटली ले लेती है कि चलिए छोड़िए अभी क्या, लेकिन स्कोर बना रही है न्यूजीलैंड, ऐसी बात नहीं है, स्कोर खड़ा कर रही है, अपोज कर रही है स्कोर कहीं ना कहीं, तो ये देखना होगा कि कैसी बैटिंग रहेगी। लेकिन एक जी हाँ, जिनका क्योंकि नेदरलैंड्स के साथ जो इनके इनका जो वार्म अप मैच हुआ था वहां पर सिर्फ 6 रन से जीते थे नेदरलैंड से और बिल्कुल सिर्फ 164 हाँ पहुंचे थे। नहीं ये तो बात सही कही आपने, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा, लेकिन मैं इस बात पे आ ही रहा था कि जो मार्टिन गुप्टिल हैं टॉप प्लेयर T20 आई के पूरे इंटरनेशनल में, अगर कहें तो बुरा नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ स्ट्रगल करते हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वो स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। तो ये देखना होगा कि 2016 की जो उनकी फॉर्म थी अपनी टीम के लिए, न्यूजीलैंड के टॉप स्कोरर रहे थे वो वर्ल्ड कप में, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वो कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद से एशिया में मार्टिन गुप्टे। जी हाँ, तो देखने वाली बात होने वाली है। अभी हमें बात कर लेते हैं सबसे पहले 6 सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स जो प्लेयर्स टू वॉच आउट कैटेगरी में आएंगे, 6 ऐसे प्लेयर्स जिन पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है आज। उसके बाद बात करेंगे बैटल्स की भी, लेकिन सबसे पहले 6 प्लेयर्स की बात कर ले, 6 प्लेयर्स टू वॉच आउट, 3 न्यूजीलैंड और 3 पाकिस्तान की टीम से। बिल्कुल देखिए पाक की अगर बात करें सबसे पहले तो कहीं ना कहीं वहां से 3 प्लेयर्स जैसे कि हारिस रऊफ, वॉच आउट की लिस्ट में अगर हम कहें, हारिस रऊफ ने बहुत इंप्रेस किया था, देखना है कि उनकी वो परफॉर्मेंस कैसी रहती है। या ये याद रखिए कि इंडिया के खिलाफ जो उन्होंने बॉलिंग कराई थी वो उनका करियर बेस्ट स्कोर करियर था बेस्ट इकोनॉमिकल में। तो मानना होगा कि वो उस फॉर्म को कंटिन्यू रखती, बड़ी बड़ी टीमें हैं आपके सामने, पिछली बार भी थी इस बार भी है, तो देखना होगा। दूसरे प्लेयर यहाँ पे जो की होंगे वो होंगे शादाब खान, जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग कराई है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, पावर प्ले में आप शायद शादाब खान को देख सकते हैं, क्योंकि मार्टिन गुप्टिल के खिलाफ उनका रिकॉर्ड बेहद ही शानदार है, 3 बार आउट कर चुके हैं 18 बॉलों में अब तक, देखना होगा पावर प्ले में शायद वो आएंगे। और तीसरे प्लेयर यहाँ मैं ऑब्वियसली रिजवान को कहूंगा, फिर से पूरा यहाँ पे उनके भरोसा जताना होगा कि वो बहुत टॉप नॉच फॉर्म में गुजर रहे हैं। जब फॉर्म में हो प्लेयर तो मुझे नहीं लगता कि रोकना इतना आसान जी है, हाँ, चाहे सामने कोई भी बॉलिंग हो, जब तो कुछ फॉर्म में भी हो हो तो कुछ कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो आपका फॉर्म है उस आप टाइम रूट आपको को चलना देखिए। ही चलना है। चलिए, ये तो बात हो गई पाकिस्तान टीम की। 3 प्लेयर न्यूजीलैंड की टीम से अगर हम बात करें, कौन से वो वॉच आउट प्लेयर्स होंगे जिन पे नजर रहने वाली है और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट भी ये मैच में छोड़ते हुए नजर आएंगे, हार और जीत का फैसला भी शायद न्यूजीलैंड के लिए ये 3 प्लेयर्स ही करते हुए जाए।
बिल्कुल डिवॉन कॉनवे पहले होंगे, डिवॉन कॉनवे ऑब्वियसली, और इसके साथ बिल्कुल पहला वर्ल्ड कप है, और इसके बाद यहाँ पे सैटनर के ऊपर देखना होगा। सैटनर बहुत इंपॉर्टेंट है, चार ओवर का स्पेल डालेंगे, शारजा में मैच है तो कहीं ना कहीं क्रूशियल होगा, और नीचे आके कंट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। और तीसरे प्लेयर यहाँ पे होंगे अपने माफ कीजिएगा ईस्ट सोरी, जी हाँ ईस्ट सोरी वो प्लेयर होंगे जो स्पिनर है, टॉप नॉच है, देखना होगा कि उनका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। या तो ये वो सिक्स प्लेयर्स टू वॉच आउट है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम से, जिन पे सबसे ज्यादा नजर रहने वाली है आज के इस मैच में, क्योंकि शारजा में ये मैच है, भले शारजा की पिच थोड़ी चेंज हुई हो, हमने देखा है जी हाँ लगातार दो मैचेस से 150-170 वो भी स्कोर कर रहे हैं, कल लास्ट नाइट अफगानिस्तान ने 190 करीब स्कोर हो गया, बताइए। या तो अभी मैं सोचेगा कि स्कॉटलैंड 60 आउट हो गए, वो अपनी गलतियों की वजह से। चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं बैटर्स की, अगर बात करें तो एक बैटर तो आपने क्लियर मुझे समझा दिया है तीन बैटर्स में से, कि मार्टिन गुप्टिस वर्सेस शादाब खान ये होने वाला है, कि 18 बॉलों में 3 बार आउट करना कहीं ना कहीं काफी शानदार रिकॉर्ड है, तो ये तो एक बैटर देखने वाली बात होगी शादाब खान जब मार्टिन गुप्टिस के सामने आएंगे। दूसरे और तीसरे बैटल में किस पे नजर रहेगी? बिल्कुल शाइन वर्सेस यहाँ ओपनिंग जोड़ी, जी हाँ अगर मैं कहूँ शाइन वर्सेस यहाँ पे मैं कहूंगा कि टिम सैफर्ड, जी हाँ टिम सैफर और केन विलियम्स, मैं इनको कह रहा हूँ ओपनिंग और वन डाउन के, यहाँ टक्कर होने वाली है, जैसे कि हमने देखा जिस तरीके की वो रिदम से हैं शाइन अफरीदी, तो मुझे लगता है कि ये कॉन्टेस्ट यहाँ देखने में आएगा, क्योंकि मार्टिन गुप्टिन तो वहां है अब उन्हें मन भूलिएगा, शादाब खान अभी भी है, मैं आपसे कह रहा हूँ अगर पावर प्ले में लगाया जाता है तो ये दो बैटल तो है ही। और तीसरा जो यहाँ मैं अगर एक बैटल देना चाहूंगा वो यहाँ पे बाबर रिजवान को रोकने का बैटल होगा न्यूजीलैंड के बॉलर की तरफ से, क्योंकि ये टेरिफिक फॉर्म से गुजर रहे हैं इस साल की हम बात कर रहे हैं, तो ये तीसरा मैं बैटल यहाँ देना चाहूंगा, पसंद करूंगा कि न्यूजीलैंड बॉलर्स वर्सेस पाकिस्तान के टॉप ये दो बैट्समैन। जी हाँ, तो ये देखने वाला होगा कि आखिर किसके बीच में आखिर किस तरह का बैटल होता है और कौन इसमें बाजी मारता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि न्यूजीलैंड टीम के लिए यह है कि अगर वो बाबर और रिजवान को जल्दी आउट करते हैं, अगर 25-30 रन के अंदर उन्हें आउट कर लेते हैं, तो फिर पूरी तरह से न्यूजीलैंड यहाँ पे हावी होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले अगर आप 10-15 T20 की बात करें जिसमें पाकिस्तान को जीत मिली है, उसमें 70% कम से कम रन इन दोनों ने ही मारे हैं, तो इससे अंदाजा लग जाता है कि किस तरह के इम्पैक्ट इनका टीम में रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान टीम की बात करें तो अगर मार्टिन गुप्टिल कॉनवे और विलियमसन को 50 रन के अंदर पाकिस्तान टीम रोक लेता है, तो फिर न्यूजीलैंड टीम ज्यादा बड़ा स्कोर खड़ा करने में कामयाब शायद ना हो, और उम्मीद भी रहेगी कि पाकिस्तान उस मैच को जीत सकता है। तो ये दोनों चीजें दोनों तरफ से देखने वाली होगी। ओवरऑल अगर बात करें टॉस अपडेट की, तो जाहिर सी बात है टॉस का जीत के आपको पहले बॉलिंग ही लेनी है, चेस करना है, क्योंकि बाद में ड्यू फैक्टर जबरदस्त होता है, वो हमने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में भी देखा। और अब यहाँ पे बात आ जाती है एवरेज स्कोर की, क्योंकि अब ये शारजा की वो पिच नहीं रही है, दो टाइम से लगातार यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए हैं, काफी काम किया गया, और सुपर 12 से शुरू हुआ है शारजा में एक भी स्कोर 150 से नीचे अभी तक नहीं पहुंचा है। क्या टोटल बेस्ट रहेगा अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है, क्योंकि बाद में बैटिंग आसान हो जाएगी, क्या स्कोर थे पहले बैटिंग वाली टीम? मेरे ख्याल में 180 अबव होना चाहिए वो एवरेज स्कोर होगा, क्योंकि अब बहुत टेरिफिकली चेंज हो गई है, अपवार्ड से डाउनवार्ड ऐसे आप कह सकते हैं कि हो गई है पिच, तो कहीं ना कहीं 180 अबव होना चाहिए। जी, और एट द एंड यहाँ पे अगर बात करें मैच प्रेडिक्शन के बारे में, जी हाँ ये तो एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि आखिर कौन मैच में भारी है और किसके परसेंटेज ज्यादा है जीतने के, तो यहाँ पर अगर हम मैच प्रेडिक्शन की बात करें तो पाकिस्तान को कितने परसेंट देंगे आप और न्यूजीलैंड को कितने परसेंट? बिल्कुल 60% पाक टीम को जाएगा, ऑब्वियसली है बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और हारी नहीं, यूएई में अब तक नहीं हारी है, उनका रिकॉर्ड है, बहुत टेस्ट वनडे खेल चुके हैं वहां पे। और जहां तक ये बात है न्यूजीलैंड का, बैट्समैन बहुत स्ट्रगल करते हैं एशियन कंडीशन में, देखना होगा कैसे क्या करना है। 40%, और एक बार यहाँ पे प्लेइंग 11 में आपको दोबारा बता दूं न्यूजीलैंड की, अगर तो यहाँ पे गुप्टिल, टिम सैफर्ड, केन विलियमसन, डिवॉन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, जेम्स निशम, जी हाँ मिचेल सैटनर और डैरिल मिचेल, और इसी के साथ साथ ईस्ट सोरी, बोल्ट और लास्ट फर्ग्यूसन या साउथी में से कोई एक। जी हाँ, चलिए जेम्स निशम अब ट्विटर से निकलकर ग्राउंड पे आएंगे, जी हाँ काफी बढ़िया है, वहाँ पे वो ट्विटर पे काफी फन फैक्ट करते रहते हैं, और अब वो इस ग्राउंड लेवल पे आएंगे, आपको परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि देश की बात है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बने चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसमें मैच प्रीव्यू था, एनालिसिस इससे बेहतरीन करने की हम कोशिश करेंगे इसी मैच की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन भी टाइम पर मिल जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, गाइस।